आपके सामने ट्रैम्प 400 लेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लॉन्ग वाला वाइजर हैंड ग्रिप जो कि इसके अंदर लगा देंगे जो कि आप जज भी नहीं कर सकते कि लगाए हैं नहीं लगाए। जी ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि मेरा जो कि क्रैश गार्ड जो कि देख सकते हो ये इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो लगा दी गई इसके अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं हूं आपका अपना राजवर। आज आपके सामने ट्रैम्प 400 और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। अभी स्टार्ट किया है हमने जैसे कि आप मोबाइल ऑर्डर देख सकते हैं एडजस्ट करो ये लगा दिया गया है साथ में इसमें डिस्को ऑयल कैप ये लग चुकी है रेडिएटर गार्ड ये लग चुका है अभी इसमें क्रैश गार्ड लगना बाकी है और अभी इसमें हैंड गार्ड लगने बाकी है और अभी हॉर्न इसके अंदर लग चुके हैं। साउंड सुनूंगा बाद में। पीछे देख सकते हैं पीछे इसकी रियर फुटरेस्ट लग चुके हैं साइड स्टैंड जैकेट लग चुकी है और उसी तरीके से अभी सीट कवर इसका बनने दिया हुआ है। तो अभी करते हैं इसको कंप्लीट और फिर उसका दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। उससे पहले दो भाई बैठे हैं दोनों भाइयों से मिलवाते हैं जरा। तो बड़े भाई कैसा लगा आपको बता आने के? बहुत ही बढ़िया भैया। आपकी वीडियो देख के आए थे तो आज देख भी लिया। आपको कैसा लग रहा है अभी तक का? बहुत ही बढ़िया। वर्क स्टार्टेड वर्क बढ़िया है और क्वालिटी बढ़िया है। एटमॉस्फेयर कैसे हैं? बढ़िया एकदम। सब पहले पूछ लें आते के साथ चाय पिलाइए भैया ने बिना बोले वो तो फर्ज बनता है यार। तो जी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इस बाइक के अंदर क्या क्या काम होना था क्या क्या हो चुका है वो आपको दिखेगा अब फाइनली क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है बाइक अपनी। इसके अंदर पहले आपको देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लॉन्ग वाला वाइजर जैसे कि भैया की पसंद के अकॉर्डिंगली लगा देगा। वैसे नॉर्मली छोटा वाला वाइजर लगता है बट क्या होता है चॉइस अपनी होती है आप लोगों की हमारी नहीं होती वो इसके अंदर फिट कर दिया गया है। और साथ में इसमें देखने मिलेगा इसके अंदर हैंड ग्रिप जो कि इसके अंदर लगा दिए गए जो कि आप जज भी नहीं कर सकते कि लगाए हैं नहीं लगाए हैं बट ये लगा दिए गए हैं वो वाले हटाकर ये इसके अंदर लगे हैं। इसमें CNC और रबड़ दोनों मिल जाते हैं आपको और ये ज़्यादातर आपको सुपर बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं आपके ब्लैक कलर की मैचिंग के साथ। इधर आपको देखने मिलेगा HJG ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है आपको स्पाइडर लुकिंग वाला। और इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होता है? बेनिफिट होता है कि मोबाइल होल्डर लगाने के बाद ना एक तो साउंडिंग की प्रॉब्लम आती है वो खत्म हो जाती है दूसरा जिसका जाइलो सेंसर अगर ख़राब हो जाता ना तो इसके अंदर शॉक अब्जर होते हैं। देखिए शॉक अब्जर होते हैं इसके अंदर लगे हुए। अब ये इसमें ब्रांड वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ के आते हैं इसके अंदर बट ये क्या HJG का है बेस्ट है ये भी मीडियम रेंज का सबसे अच्छा जो इसके अंदर लगा दिया गया है। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर रेडिएटर गार्ड जो कि आप देख सकते हो ये है आपका ट्रैम्प 400 जो कि इसकी ब्रांडिंग है लगा दी गई। इसको लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसे लगाने के बाद ना अगर ऑफ रोडिंग बाइक चलाते हो तो उसमें क्या होता है पत्थर वगैरह कुछ भी आकर यहाँ पर रेडिएटर पर लगता है ना तो नॉर्मली क्या होता है रेडिएटर डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है तो इसे लगाने से वो खतरा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर वो टूट गया लीकेज हो गया तो आपकी बाइक पूरी की पूरी स्टॉप हो जाती है तो उसको करती है आपकी सेफ ये आपका रेडिएटर गार्ड। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर मास्टर सिलेंडर कैप जो कि मिलता है आपको ट्रैम्प 400 की ब्रांडिंग के साथ ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया जिससे लुक भी नहीं हो जाती है और साथ में ना आपका जो मास्टर सिलेंडर के ऊपर का हिस्सा वो पूरा पूरा सेफ हो जाता है। और एक छोटी सी चीज़ है मास्टर सिलेंडर कैप जो कि पीछे जैसे आपने आगे देखी ना उस तरीके से पीछे भी लगा दिया मास्टर सिलेंडर कैप उसी तरीके से सेम आगे वैसे ही पीछे क्योंकि इसका जो प्लास्टिक का पार्ट होता है इसको पूरा पूरा सेफ कर देता है लगाने के बाद। इधर आपको देखने मिलेगा जो कि क्रैश गार्ड जो कि देख सकते हो ये इसका फुल बॉडी क्रैश गार्ड जो लगा दी गई इसके अंदर जिससे आपका टैंक और आपके खुद के लैग्स एंड इंजन ये होता है पूरी तरीके का प्रोटेक्ट। जब भी गाड़ी गिरती है ना हल्की से भी गिरेगी तो नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं बट इसे लगाने के बाद आपकी बाइक गिर भी जाती है तो पूरी की पूरी है सेफ। इस तरफ से भी सेम इस तरफ से लुक चेकआउट कर लो। इसमें एक दो मॉडल और आते हैं मेरे पास वो भी है बट जिसको जो पसंद है वही हम लगाते हैं अदरवाइज हम नहीं लगाते। उसी तरीके से नीचे मिलेगी आपको साइड स्टैंड जैकेट ये भी इसके अंदर लगा दी गई है जो कि मिलती है आपको ये भी 400 की ब्रांडिंग के साथ। इसे लगाने के बाद एक तो आपका स्टैंड स्टेबल खड़ी रखेगा आपकी बाइक को और दूसरी बात यह है कि इसे लगाने का जो सबसे बड़ा लॉजिक है कहीं भी खड़ी करनी होती है ना तो क्या होता है फिसलने का खतरा ज़्यादा होता है इसके अंदर। नॉर्मली इजीली लगाओ और कहीं भी नहीं जाएगा। देखो काफ़ी लॉन्ग है इसके अंदर जो कि इसके अंदर लगाई है। और पीछे मिलेगा आपको रियर फुटरेस्ट जो कि मिलता है दोनों तरफ इधर भी सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ भी। ये जब प्लेन राइडर बैठता है ना एक तो वो सेफ हो जाता है और दूसरी बात पता है क्या इधर आइए इसकी एक और खासियत बताओ लगाने की आप देख रहे हो ये जो साइलेंसर होता है ना ये अब नॉर्मली पैर रखने से क्या शूज़ आपका यहाँ पर शूज़ इस पर आता ही आता है तो इस पर स्क्रैचेस वगैरह ना है वैसे स्टेनलेस स्टील होता है बट क्या होता है फिर भी इसकी कोटिंग हट जाती है तो उसके लगाने के बाद आपका साइलेंसर भी सेफ हो गया प्लस इसकी लुक भी नहीं होगी और बंदा प्लेन जो आपका वो भी होगा पूरी तरह सेफ। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर सीट कवर जो कि आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से प्लेन सीट कवर है। वैसे आप चाहो तो फोम वाला बिना फोम वाला कलरफुल जैसे मर्जी आप चाहो तो बनवा सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ उसके अंदर आइए फ्रंट के अंदर इसमें लगाएं हॉर्न
ये इसमें हॉर्न लगा दिए गए हैं जो कि आपको मिलेंगे ओरिजिनल हॉर्न, और ये आपको ड्यूल टोन हॉर्न, सिंगल हॉर्न की जगह डबल हॉर्न लगा दिए गए बिना चलान वाले। इसे लगाने कोई चलान वगैरह का इश्यूज नहीं होता है, और ये नॉर्मली स्कूटी हो बाइक हो सब के अंदर इजी टू इंस्टॉल हो जाता है, और ना ही इसमें बैटरी का कोई इफेक्ट होता है। अगर इसकी मॉडिफिकेशन हो गई कम्प्लीट, अब बुलाता हूँ भैया को, जिन भैया की बाइक हो उनको फाइनली कैसा लगा। आइए सर, कैसे हैं आप और कहाँ से आए हैं और फिर कैसा लगा? मैं हैदरपुर से आया हूँ और भैया की वीडियो देख करके आए थे, और जैसा वीडियो में काम है वैसे ही ओरिजिनल है। अच्छी बात है। बाकी आपको ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन में क्या अच्छा लगा इसके अंदर सबसे अच्छा? भैया सबसे बढ़िया तो इसमें ये विंडशील्ड हो गई इसका, ये मतलब सारी चीज़ें बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है क्वालिटी वाइज भी। क्वालिटी वाइज भी चलो जी ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी राजू भाई कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जेन्युइन बंदे हैं। चलो जी आप भी समझ जाओ यार, जेन्युइन बंदे हैं। और कोई हमारा भाई बंधु आना चाहे ऑल इंडिया तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी? भैया सारी काम करवा लो बाइक से रिलेटेड, कोई सी बाइक ले आओ, क्या वो तो हमने पल्सर भी होते हुए देखी है। नहीं हमने तो स्कूटी बहुत सारे पीछे स्कूटी हो रही है, स्कूटी हो रही है भैया की एक और। चलो जी ठीक है, सो मच, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। और आपको भी कराना अपने किसी भी बाइक किसी भी स्कूटी का मॉडिफिकेशन, चाहे छोटी बाइक हो चाहे बड़ी बाइक हो, छोटी स्कूटी हो चाहे बड़ी स्कूटी हो, आप आ सकते हो आपकी शॉप राजू भाई के शॉप पर, जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के करोल बाग नाई वालन के अंदर। जब भी आप आते हो तो ये चीज़ का ध्यान दें कि मेरी जो शॉप का लोकेशन है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ एड्रेस लोकेशन सब कुछ, बाकी आप आते हो जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, वहाँ पर आने के बाद गोल चक्कर से राइट होना है आपको, जो कि आर्य समाज रोड कहलाया जाता है, रोड का नाम है आर्य समाज रोड, और बैक साइड मिलते हैं 36 नंबर गली, और पहले चौक पर आर्य समाज के पहले चौक पर मेरी वो मिल जाएगा, फ्रंट का जो मेन मेरा गेट है शॉप का वो वाला। और सबसे मेन बात बता दूँ कि जो रोड है ना आर्य समाज, वैसे फेमस इसलिए है क्योंकि जब भी आप आते हो ना करोलबाग के अंदर तो आपको कहीं जाने की जरूरत है, आर्य समाज रोड ऐसा रोड है, जब भी आप कार मार्केट के लिए हो तो आर्य समाज रोड आना पड़ेगा, गफार के लिए आओगे तो आर्य समाज रोड आना पड़ेगा, बाइक मार्केट आर्य समाज रोड आना पड़ेगा। तो आर्य समाज रोड ही एक ऐसा रोड है जो कि इकलौता सभी रोडों से कनेक्टिविटी देता है, तो इसी रोड पर मेन रोड पर शॉप पहले चौक पर जब भी आते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर डाला हुआ है, ऐसे नंबर फ्लैश भी हो रहा है स्क्रीन के अंदर 7827217499115296, किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो और आ सकते हो आपके अपने शॉप राजू भाई की शॉप पर। और बाकी करना क्या ना बता, आपको चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है आपके अपने छोटे भाई राजू भाई एसकेडी को, जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत्स्य, गुड बाय।